फितरत कुछ और है, वो गले में आता है, वो मानता नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मौका दिया इस व्याख्यान माला में मुझे आमंत्रित करने लायक समझा। मैंने एक अपने लिए नियम बनाया है कि पहले तो मैं अपने हिसाब से बोलता था, लेकिन अब तैयारी से बोलता हूं। लगता है कि आप लोग अपने घरों से चलकर आते हैं, अपना वक्त निकाल कर आते हैं, तो जो मैं बोलूं उसका एक स्ट्रक्चर हो, उसका ढांचा हो, लिख कर लाने में कोई हर्ज नहीं है। महात्मा गांधी बहुत अच्छा नहीं बोलते थे, बहुत ही साधारण वक्ता थे, उनकी बातों में कोई उतार चढ़ाव नाटकीयता नहीं। कभी वो कूदते नहीं थे, कभी वो बोलते वक्त तो कभी नहीं लगते थे कि ये कोई ताकतवर नेता है, लेकिन उनको करोड़ों लोगों ने बिना टीवी रेडियो के सुना और बगैर व्हाट्सएप के। आप सब ने शेरो शायरी सुनाई, हम भी सुनाते हैं, हम भी कुछ लिख के लाए हैं। लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों। राहत की बात है कि आपके शहर में कोई इंदौरी है। इंदौर सपना देखता है मुंबई का, मुंबई सपना देखती है शंघाई की, और दिल्ली को वॉशिंगटन का रोग लग गया है। हमारी ग्रंथियों में पहले पराजित होने का भाव भरा गया, अब सुपर पावर होने की टॉनिक भरी जा रही है, और जो सुपर पावर है उसकी जुबान देखी किसी मोहल्ले की लठैत जैसी हो गई है। तुम मेरे यहां मत आना, इसको मेरे यहां से निकालो, वो उसकी दाढ़ी है तो हमारे यहां नौकरी नहीं करेगा, इंडिया वाला नौकरी नहीं करेगा, इसको घर में नहीं आएगा, जहां जहां बाउंड्री है वहां वहां दीवार बनाएंगे, और जहां जहां दीवार नहीं बना सकते वहां वहां बम गिराकर गड्ढे बनाएंगे। ये रिजल्ट आया है उस अमेरिका के सुपर पावर के ख्वाब का, जिसका नेता जब हमारे सामने है तो हर कोई दुनिया में देखकर यही कह रहा है कि ये कौन है, यही सुपर पावर का नेता है जिसे ना बोलने का शऊर है ना सोचने की तमीज है। पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस है। फरीद जकारिया पत्रकार हैं, सीएनएन में कार्यक्रम करते हैं, उन्होंने आज ही पोस्ट लिखा है कि ये आदमी जिसे वहां की जनता ने चुना है हमारे मुल्क के लोकतंत्र के लिए खतरा है। मूर्ख को मूर्ख कहना पड़ जाता है, चाहे आप जितने भी सुपर पावर बन जाए। तो ये सुपर पावर की ग्रंथि आपको आपके शरीर में, आपके जहन में जो इंपोर्ट की जा रही है, खेली जा रही है, जो वायरस है, ये वायरस एक दिन हिंदुस्तान को वीडियो गेम की प्रोग्रामिंग में बदल देगा, बदल दिया है। आप देखेंगे कि टेलीविजन पे ही एक कार्यक्रम आता है सॉरी करके, अच्छा है आज तक पे आता है, उसमें नेता सुपर पावर की तरह, जैसे वीडियो गेम में होता है कि बच्चे ज्ञात अज्ञात जगह पर बम मार रहे हैं, तलवारें चला रहे हैं, और जब उसका कैरेक्टर दुश्मन मर जाता है तो फिर एक और दुश्मन एक्स्ट्रा क्वाइन डाल के कहीं से लेकर टन से बचता है, एक और दुश्मन आ जाता है, फिर उसे वो मारने लगते हैं। तो वो नेता जो है, अब यही बाकी है कि जल्दी ही हमारे देश में कोई ऐसा नेता होगा जो स्पाइडरमैन के लिबास में मंच पर आएगा, या देख लेंगे, दिखा देंगे कि भाषा बोलते बोलते वो कूद के कहां गिरेगा, उसी से दो चार लोग मर जाएंगे। तो जो ताकतवर नेता की तलाश है जल्दी ही इस तरह के प्रोडक्ट अब लॉन्च करेगी। दरअसल होता क्या है कि हम अपनी, जब हम कमजोर होते हैं तो अपनी शक्ति को आउटसोर्स करते हैं। जब भी समाज में एक पत्रकार के लिए जरूरत से ज्यादा ताली बजे तो वो इस बात का प्रमाण है कि पत्रकारिता तो खत्म हो ही गई है, लोग भी खत्म हो गए। वो अपनी शक्ति को आउटसोर्स कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बोल रहा है, हम बोल नहीं सकते, कम से कम ताली बजा देते हैं। तो ये सिम्टम को पहचानिएगा, क्या पता ताकत इतनी है कि हम जैसे लोग भी ना रहें, तो वो और बात है। तो इस शक्ति को जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में आप देखिए शक्ति की उपासना के कितने तरीके हैं, चूरन भी कितने तरीके के, लेकिन आप सुपर पावर के ग्रंथि से आप ये काम कर रहे हैं।
लगता है कि आप ये जो शौचालय बनाने का अभियान है, अगर इतने ही ताकतवर होने की हमें जरूरत है तो हमें घर घर अखाड़े खोलने चाहिए थे, पहले मुदगर सप्लाई करने चाहिए थे, घी तेल मक्खन सप्लाई करने चाहिए थे कि हर आदमी अखाड़ा में तैयार होकर पहलवान बन जाए। जब टीवी पर दुनिया के ताकतवर नेताओं का प्रदर्शन मैं देखता हूं तो मुझे थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि मैं प्रकृति से कमजोर आदमी हूं, थोड़ा डर भी लगता है मुझे, और इसे स्वीकार करना चाहिए कि डर लगता है, अपने लिए भी डर लगता है, आपके लिए भी डर लगता है। बहुत सारे नेता हैं, एक नेता है रूस का जो कमीज उतार के घोड़ा पर बैठ के फोटो खिंचाता है, तो ये सपने हैं धीरे धीरे आप में आपके अंदर एक्सपोर्ट की जा रही है कि आप भी सोचेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसा नेता क्यों नहीं है जो अपना शर्ट खोल के घोड़े पर बैठ जाए। एक दिन कोई ऐसा नेता आ जाएगा, किसी पार्षद को आप इसलिए हरा देंगे कि वो टाइट नहीं चलता है, वो काम भले अच्छा कराया हो लेकिन वो ताकतवर नहीं दिखता, हमें एक ताकतवर नेता चाहिए। ये जो सपना आया ये कृत्रिम तरीके से आपके भीतर ठेला गया है। आपने गांधी जी को तो देखकर नहीं कहा था, क्या छोटे आदमी है, छोटे कद के आदमी है, कमजोर लगते हैं, बोलते भी उस तरह से नहीं है, ताली भी नहीं बजवाते हैं, हम इनके पीछे चल रहे हैं अंग्रेजों से आजाद होने के लिए, कहा था आपने? नहीं कहा था। तो ये एक मजबूत नेता का सपना आपने बेचा जाए। बेचने वालों का भी नाम बताऊंगा कि उसमें कौन कौन लोग हैं। हमारे देश में समय का विभाजन तो पहर के हिसाब से किया गया है, 8 पहर हैं, तो टाइम का हर पल है उसके हिसाब से किया गया, और भी होंगे, मतलब 8 पहर हमारी जुबान पर है, लेकिन टीवी के प्राइम टाइम का कोई हिसाब नहीं है। वो कभी भी अपने आप को डिक्लेयर कर देता है कि हम प्राइम टाइम, वो 6 बजे भी डिक्लेयर कर देता है, वो 7 बजे भी डिक्लेयर कर देता है, जब उसको लगता है कि कोई एजेंडा करना है तो 3 बजे ही आ जाएगा, बोलेगा हम ही प्राइम टाइम। वो कभी सुपर प्राइम टाइम हो जाता है, कभी डुपर प्राइम टाइम हो जाता है, कभी एक्स्ट्रा प्राइम टाइम हो जाता है। तो वो टाइम जो है आपको अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है कि आपके लिए टाइम का मतलब क्या है। आप जब टीवी पे टाइम देखते हैं और घड़ी में जो टाइम देखते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। ये वो टाइम है, टीवी वाला टाइम, जो ऐलान कर रहा है कि हम आपके सोचने समझने की शक्ति को खत्म करने आ रहे हैं। आगे बताता हूं मैं इसको, और एक दिन होगा आप देखेंगे कि देश का अगला प्रधान सेवक कोई प्राइम टाइम का एंकर होने जा रहा है। कैसा होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो जाए तो मुझे याद रखिएगा। आप भी तो नहीं हो? नहीं, मुझे नहीं। क्या होता था कि अतीत में नेता लोग लठैत रखते थे, माफियाओं से साठ गांठ रखते थे, और कुछ बाहुबली रखते थे, तो उनको लगा कि क्यों ना हम इनका काम करते हैं, हम ही बन जाएं विधायक और सांसद, बन भी गए। यही काम न्यूज एंकर कर रहे हैं, लठैत का काम कर रहे हैं, प्राइम टाइम ऐलान करते हैं कि ये प्राइम टाइम हो गया, 6 बजे सुबह भी ऐलान कर सकते हैं, दोपहरिया में आधा आदमी दवाई खा के सोया हुआ है डायबिटीज का, डायनिल खा के, पता चला टीवी पर सुपर प्राइम टाइम ऐलान हो गया, चलिए उठिए उठिए उठिए, तो वो अपना कर रहे हैं। तो प्रधान सेनापति का रोल वो अदा कर रहे हैं, जो एक सेना बनी है, कॉरपोरेट राजनीतिक दल और 4 पत्रकार, बाकी तो नीचे से हटा दिए गए हैं। इनकी भाषा देखिए तो हर समय अटैक की भाषा है, कुछ करो, निस्तानाबूद करो, इस तरह की भाषा है। और टीवी पर आप देखिएगा तो शब्द जो इस तरह से उछल कर रहे हैं जैसे उसमें किसी ने पीछे से बाल भाला मार दिया हो, और वो दूसरे को खोज रहे हैं, जिसने भाला मारा उसकी तरफ नहीं देख रहा, सामने वाले को खोज रहा, कूद रहा है, स्लैश है, स्मैश है, थ्रैश है, क्वेस्ट है, ब्रेस्ट है, डेस्ट है, इस तरह के वर्ड जो है आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, और आप देखते हुए असहाय हो रहे हैं। ये जो ताकत की जो शब्दावली है, दरअसल आपको लगता होगा कि आप एम्पावर हो रहे हैं, वो आएगा तो अपना सामान ऐसे ही बेचेगा कि देखिए हम डेमोक्रेसी को एम्पावर कर रहे हैं, दरअसल वो आपको थ्रेटन कर रहा होता है, धमका रहा होता है कि जब हम दूसरों की हालत कर सकते हैं तो हम एक दिन तुम्हारी भी हालत करेंगे, और वो कर रहा है, वो हालत कर रहा है। जबकि आप देखें हम एंकरों की जिंदगी में तो गुस्सा होने की कोई वजह तो है नहीं, हमारी निजी जिंदगी में अच्छी सैलरी ठीक ठाक मिलती है, आजकल कपड़े भी अच्छे होते हैं, टाई कोट होते हैं, जिस स्टूडियो में बैठते हैं वहां पर एसी भी बढ़िया है, मतलब इतना बढ़िया एसी है कि आप 44 डिग्री टेम्परेचर में जब देश जल रहा होता है हम टाई कोट पहन के आराम से बैठ सकते हैं।
तो आप पूछिए ना भाई कि जब तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा है तो तुम इतना गुस्से में क्यों? हमारा ठीक ठाक नहीं चल रहा तो हम तो गुस्से में नहीं है। हम ना सरकार से गुस्से में है, ना अपने प्रधानमंत्री से गुस्से में है, ना मुख्यमंत्री से गुस्से में है, ना हम सामने वो जो पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा है वो काम नहीं कर रहा उससे भी गुस्से में, तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या हुआ? राजनीतिक दलों ने पुराना बकाया नहीं दिया ठंडे से मांग लो, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या तुमको और तगादा करना है, और उगाही करनी है कि और मुझे दो? तो आप सोचिए, समझिए, पूछिए कि ये एंकर इतना गुस्से में क्यों है? क्या इसकी सैलरी नहीं मिली? क्या हुआ इसको? इसके पास गाड़ी भी अच्छी है, चश्मा भी सुनते हैं आजकल विदेशी डिजाइनर वाले ब्रांड का चश्मा लोग, कपड़े तक डिजाइनर करने हैं, फिर भी उसको सबसे ज्यादा गुस्सा है। जैसे लग रहा है देश का सबसे बड़ा वंचित वही है। एक दिन वो ऐलान कर देगा कि मैं ही मार्जिन हूं इस देश का, मुझे कुछ नहीं मिला। वो जो किसान बिना अनाज के जिसको दाम नहीं मिला और एक तहसील के दफ्तर के दो मंजिला इमारत से कूद कर जान दे दिया सैकड़ों लोगों के सामने, दरअसल उसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं। इतना गुस्सा है और वो गुस्से का राष्ट्रीयकरण कर रहा है। वो हर चीज पर गुस्सा नहीं है। आपको गुलाम बनाकर प्राइवेट स्कूल आपसे जो मर्जी फीस ले रहे हैं उससे उसको गुस्सा नहीं आता है। आपकी जिंदगी की परेशानियों से उसको गुस्सा नहीं आता। तीन चार प्रकार का गुस्सा है जो उठा के ले आता है किसी पॉलिटिकल हेडक्वार्टर से, और वो गुस्सा आप पर थोप रहा, गुस्से का राष्ट्रीयकरण कर रहा है कि अगर आपके मोहल्ले में पानी नहीं आया है, बिजली नहीं है 10 दिन से, तो आप इसमें मत गुस्साइए। हम जो गुस्सा दे रहे हैं ना वो वाला गुस्साइए। यही हो रहा है प्राइम टाइम टेलीविजन के जरिए। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज पत्रकारिता के सिद्धांत के तहत बदलते वक्त की जरूरत और मांग के अनुरूप हो रहा है, ऐसा मत सोचिए। ये आपको गढ़ा जा रहा है और इस गढ़ने का सबसे अचूक हथियार है, यही है प्राइम टाइम टेलीविजन। अब उसके समान सब आपको व्हाट्सएप बाद में वो सब वायरल कराने के लिए लोग मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ये हमारी परंपरा तो नहीं है ना, इतने गुस्से में बात करने की क्या जरूरत है भाई? कोई विपक्ष हो उसको लेकर इतना गुस्से में क्यों हो? सरकार को लेकर भी गुस्से में हो? मुझे तो नहीं दिखाई देता, भिग्गी बन जाती है। अच्छा, सरकार को लेकर तो गुस्सा नहीं है, सरकार को लेकर तो लगे बबुआ लोग पलना झुला रहे हैं जैसे लग रहा है, नींद आए अच्छे से, ललना को पलना में झुलाया जा रहा है ऐसे करके। तो जो कमजोर है उसको लेकर इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? जनता नहीं पकड़ेगी? आप जनता को बता दीजिए, मजबूती से बता दीजिए, एक बार से नहीं मन भरता 10 बार बता दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप रगेड़ रहे हैं, मार रहे हैं, उकसा रहे हैं और भड़का रहे हैं, और आप टीवी के सामने बैठ के लग रहा है कि हमारा लोकतंत्र, हमारे लोकतंत्र का सशक्तिकरण हो रहा है, ये गलत है। तो हमने सोचा कि एक दिन मैंने देखा कि गीता को लेकर टीवी पे डिबेट हो रहा, वो एंकर इतना चिल्ला रहा था गीता को पढ़ाया जाना चाहिए कि नहीं पढ़ाया, तुम पहले पढ़ लो भाई, तुम पढ़ो ना कि गीता में क्या लिखा है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो गीता को लेकर? क्या लिखा है गीता में? लिखा है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। यह लिखा है ना गीता में। तो जिस भारतीयता का वो प्रचार करने का नौटंकी कर रहे हैं, दरअसल इस नौटंकी की आड़ में आपकी भारतीयता को कुचल रहे हो। आप उनका गेम समझिए, वो गीता के लिए नहीं लड़ रहे हैं, तो गीता के नाम पर आपको बर्बाद कर रहे हैं, आदमी को गधे में बदल रहे हैं। गीता में तो यह लिखा है कि क्रोध से मत बात करो, विवेक से बात करो। आप जाके देखें, यही लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तो व्यक्ति का पतन होता है।
अब आप इसको हमारे एंकर के जो तेवर हैं और हम लोग की जो शब्दावली है उस पर आप लागू करें तो पता चलेगा कि सचमुच तर्क और विवेक की गुंजाइश खत्म हो गई है। कोई दूसरा पक्ष नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो आधे पक्ष आते भी नहीं है। वो ठीक है, आजकल उन्हें नींद अच्छी आती है इसलिए कि वो मेरे कार्यक्रम में नहीं आते, तो मैं खुश रहता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, नहीं तो घबराहट में मेरे कार्यक्रम में आने के नाम पे बेचैनी होती रहती थी। अब वो लोग खुश भी हैं वैसे। तो ये चाहता है कि आप छोड़ दें तर्क से सोचना और उसका जो वो तर्क है वो आप उसको स्वीकार कर लें। वो चाहता है कि गुस्से का एक जनमत बने, लिंच मॉब जिसको बोलते हैं, गुस्से का जनमत बना रहा है 24 घंटा। जब आप टीवी खोलिए तो दिल्ली को लेकर, दिल्ली का कोई एजेंडा डंडा लेके एक गुस्सा चल रहा है। वो इंदौर में भी लोग देख रहे हैं, हमारे मोतिहारी में भी देख रहे हैं, वहां 100 समस्याएं, वहां स्कूल नहीं चल रहा है, कॉलेज में प्रोफेसर ने इसको लेकर टेंशन में नहीं है, चाइना को लेकर टेंशन में कि क्या करना चाहिए, जिसको करना चाहिए पता नहीं चल रहा कि वो कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन टीवी एंकरों में 4 आदमी बैठ के सब करते रहे, वो इतना गुस्सा है उनको। तो ये जो चीज है वो हो क्या रहा है कि इसके जरिए जो होता है कि टीवी के जरिए राजनीतिक दल आपके जनमत को जड़ करना चाहते हैं, आप 2-4 मुद्दों तक सीमित रहे। जनमत को दलमत में बदला जा रहा है कि जो भी सही है वो एक दल के हिसाब से सही, जनता के हिसाब से सही नहीं। तो किस तरह से एक ओपिनियन बनाने के नाम पर आपके ओपिनियन की डाइवर्सिटी, उसकी विविधता को खत्म किया जा रहा है। कोई मुश्किल बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप 1 घंटा टीवी देख लें तो बीमार होने से पहले आप ये बात समझ जाएंगे, डॉक्टर को फोन करने से पहले ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे आपके सोचने समझने की शक्ति पर हमला किया जा रहा है। नेता या राजनीतिक दल उसी का रहेगा, देखिएगा आप कभी आपको टीवी पर नहीं दिखेगा कि 2 लाख लोगों की नौकरियां जा रही हैं आईटी सेक्टर में, अब क्या होगा, उनका घर कैसा चलेगा, क्या कर रही है ये पार्टी वो पार्टी, ये नेता कहां है वो नेता कहां है, इसको लेकर कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। जय जवान जय किसान, इस नारे ने हमारे देश के किसानों को बहुत ठगा। जिस दिन हमारे किसानों को पता चल जाएगा उस दिन इस नारे का इस्तेमाल करने वाले नेताओं को मंचों से उतार देंगे। एक वक्त पे वक्त की जरूरत के हिसाब से उस पाक नारे को, बहुत अच्छा नारा था, बार बार इस्तेमाल करके किसानों को ठगा गया था। और उस नारे की आड़ में हकीकत क्या है आप देखिए, हर दिन कहीं ना कहीं से किसी ना किसी जगह से किसी किसान की आत्महत्या की खबर आती है हर दिन। यही है, नारा लगाएगा जय जवान जय किसान का, और किसान जब आत्महत्या करेगा तो उसके मसले पर उसको राष्ट्रीय गुस्सा नहीं आता है, वो किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहराता है, वो उस रात प्राइम टाइम के डिस्कशन में उसको फिक्स नहीं करता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और आपसे वो आस्क नहीं करता है, वी विल आस्क। अरे तुम्हारा आस्क नहीं है, तुम्हारा टास्क है, वे किसी और ने दिया है, तुम यही करो, 4 सवाल को लेकर उलझाए रखो जनता को ताकि वो ना पूछे कि किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही जनमत बनाम जनमत है। दिन भर टेलीविजन पर देशभक्ति का आलम चल रहा है, लेकिन जब आपके सिपाही एक रैंक एक पेंशन को लेकर धरना देते हैं कई हफ्तों तक महीनों तक, वहां टीवी नहीं जाता है, उसको लेकर बेचैनी नहीं होती। यही जनमत बनाम जनमत है। उसी के बीच वो बाइनरी क्रिएट कर रहा है, माहौल जैसे बनाता है कि जैसे अगर सेना, अगर 5 न्यूज एंकर और चैनल ना रहे तो इस देश में कभी लोग सेना को सलाम भी नहीं करते। ऐसा है क्या? किसी सैनिक से पूछिए, जब वो अपना परिचय देते हैं कि हम सेना में काम करते हैं तो क्या लोग आदर से पेश नहीं आते थे? और क्या बात है कि उनके और मसलों पर तो आप हंगामा नहीं करते, उनके बच्चों को स्कूल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इस पर तो आपकी बेचैनी नहीं है, सिर्फ ताबूत पे बेचैनी है आपको। क्या वो जिंदा रहते देश की रक्षा नहीं कर रहा है क्या? तो ये जो नकली बाइनरी क्रिएट की जा रही है कि जैसे पूरा देश देशभक्ति को खतरा है, 24 घंटा लेके चले आ रहे हैं उसमें, और जब 6 महीना तक उनका मेडल तक फाड़ दिया गया, बताइए पुलिस के लोग जाके इतना इतनी हिम्मत कर, ये तो कभी नहीं होता था कि सेना के लोग ये तो धरने पर बैठ जाए रिटायर्ड फौजी लोग, और बैठ गए तो उनका मेडल तक नोच लिया
ये कहां हुआ कभी? कभी हुआ? लेकिन इस पर टीवी को बेचैनी नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो जनमत वो नहीं चाहिए, उसको दलमत चाहिए। जब तक आप दल के साथ हैं तब तक टीवी आपके साथ है, जैसे ही खिलाफ जाएंगे आपको वो धोना शुरू कर देगा। और ये चलता कैसे है? इसका एक कंट्रोल रूम है और उसी कंट्रोल रूम का, जनमत के इस कंट्रोल रूम का नाम है प्राइम टाइम। ये कंट्रोल रूम है सर, मैं भी वही करता हूं लेकिन बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। और आज ये बात पहली बार नहीं हुई, 2012-11 के साल में ही समझ में आ गया था कि जब मुझे ये कार्यक्रम करने को बोला गया था तभी मैंने लिखा था कि ये जनमत की मौत का इंतजाम है। आज आपके ओपिनियन पे, दिल्ली से चलने वाली ओपिनियन है, ओपिनियन ही सरकार है, परसेप्शन इज प्राइम मिनिस्टर, ओपिनियन इज द न्यू गवर्नमेंट, सब कुछ धारणाओं में चल रहा है। और इसके बेसिस क्या है कि एक शत्रु होना चाहिए, कोई शत्रु होना चाहिए, वो लगातार शत्रुकरण होना चाहिए जनता में से। अगर कोई शत्रु इस वक्त नहीं मिल रहा है तो जेएनयू को शत्रु बनाना है, अगर जेएनयू शत्रु नहीं मिल रहा है तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को शत्रु बना देना है, अगर कोई नहीं मिल रहा है तो दो चार अवार्ड में इस्तीफा देने वालों को शत्रु बना देना है। शत्रु एक चाहिए हमेशा। ये जनमत बनाम जनमत की जो लूट है टीवी के जरिए वो चल रहा है। कभी आप लेबर यूनियन को शत्रु बनाते हैं, कभी गुजरात के ऊना के जो दलित हैं वो भी शत्रु बना दिए गए टेलीविजन। तो अगर आप सत्ता को चुनौती देंगे तो ये जो सत्ता है वो आपको, टीवी जो है वो सत्ता का पहले शत्रु घोषित करेगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि टीवी जो है, आप भी धीरे धीरे अपने टीवी की प्राथमिकता से आप की प्राथमिकता जो है राजनीतिक प्राथमिकता मिलती चली जाएगी। देखिए इसको लेके कंफ्यूज मत होइए, आपकी व्यक्तिगत राजनीतिक निष्ठा किसी के प्रति हो सकती है, जब तक आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं उसमें कोई संकट नहीं है, लेकिन जब तक आप अपने आप को जनता समझते हैं आपका व्यवहार जनता के तौर पर होना चाहिए। निष्पक्षता और तटस्थता की जो जवाबदारी है वो सबसे ज्यादा किसी भी संस्था से आपकी है। आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट की तरह व्यवहार करेंगे तो आप इस लोकतंत्र का सत्यानाश कर देंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार चुनने के बाद आप वहां से मुड़कर तटस्थ हो जाएं और दूर हो जाएं। और जो जब जब सही लगे तो सही बोलिए, जब गलत लगे तो सही गलत बोलिए, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जैसे एक शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कभी दूर नहीं होती, लेकिन उस शहर में हर साल कहीं ना कहीं फ्लाईओवर बन रहा होता है, तो आपको देख के लगता है चलो कुछ हो रहा है ट्रैफिक में। ट्रैफिक फ्लाईओवर बनने के बाद भी दुनिया में और धरती पे कहीं से भी ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं हुआ, फिर भी हम बना रहे ना स्मार्ट सिटी। अब देखिए कि क्या है कि, और ये प्रोसेस जो है शत्रु निर्माण का, समय होगा मनीषा जी बता दीजिएगा, तो उसमें हम अपनों को मार रहे हैं। ठीक, जब अलवर में पहलू खान को मारा गया तो चुप, समाज में कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हेलो, हाँ एक मिनट लाइट आ जाएगा, जनरेटर है चालू कर दे, चालू रखूं? हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप, मैं जो कह रहा हूं, मैं जिस माध्यम में हूं, मैं उसी माध्यम के भीतर जो घट रहा है और जिससे लेकर मुझे बेचैनी होती है मैं उसी के बारे में कहता हूं। वो माध्यम एक दिन समस्या सबके लिए पैदा करेगा। पहलू खान को लोगों ने मारा तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लोगों को लगा कि ये सामान्य बात है, कुछ हंगामा हुआ, टीवी पर दिखाया गया, ये गलत हो रहा है, नेताओं ने भी कहा कि गलत हो रहा है, सबने कहा, लेकिन उसके समर्थन में भी लोग आ गए उस भीड़ में। तो पहला नुकसान देखिए क्या हुआ, मरा तो एक, मारने वाले कितने थे हम नहीं जानते, हो सकता है 8-10,
आपके समाज में 8 या 10 हत्यारे बन गए। इस बात के तो पूरा प्रमाण है ना कि वो मार दिया गया। मारने वाला भले ही बच जाए लेकिन गुनाह तो अंदर से धुलता है ना। आप चाहेंगे कि शत्रु निर्माण की प्रक्रिया के तहत आपके बीच से कोई हत्यारा बन जाए? क्या आपने इसकी मंजूरी दी है? क्या आपने सोच लिया है? अगर सोच लिया है तो क्या आपने यह भी सोच लिया है कि उस भीड़ में आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है किसी दिन? ये राय आपकी बन गई है? क्या आप अपने बच्चों को एक पहलू खान के लिए हत्यारा बनाना चाहते हैं? बताइए। नहीं, नहीं, बनाना चाहेंगे आप? नहीं। अगर आपको पहलू खान से कोई हमदर्दी नहीं है तो ना सही, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं उन 10-11 लोगों की चिंता कर रहा हूं जो उस शाम उसको मारकर घर गए। वो कौन सी और किसके हाथ की बनाई रोटी खाए? सब कुछ भीड़ से नहीं तय। और देखिए किस तरह से पॉलिटिक्स का ऑप्टिक्स होता है। आप देख रहे हैं मुझे लेकिन मेरे बारे में सोच कुछ और है। यार ये एंटी तो नहीं है? अरे किसी की एंटी नहीं है। हर आदमी ऐसा नहीं सोच रहा सर। नहीं, हर आदमी की बात नहीं कर रहा, ये ऑप्टिक्स में बता रहा हूं कि इसका क्या खतरनाक खतरा है। इस ऑप्टिक्स का खतरा ये हुआ कि गाय की तो सेवा नहीं हुई। हुई और सत्यनाथ कभी सुना कि इस कलेक्टर ने चारागाह की जमीन तय कर दी है, अतिक्रमण हटा के गायों को चरने की अच्छी व्यवस्था बना दी है? सचमुच हमारे गायों को हमारी जरूरत है। हम पाल रहे हैं गाय 10-15 साल, हमारा पूरा बचपन हमारे पिताजी ने समाया। जब गाय बच्चा दे रही है तो कैसे बछड़े को निकालना है, जीप पे क्या रगड़ना जब उसे खाने का मन ना हो। तो पहली रोटी हमारी सचमुच जरूरत है गायों को कि वो प्लास्टिक खाने, क्योंकि हमारा बच्चा हम सब उसके दूध पर निर्भर तो है ना, तो उनको जरूरत है हमारी सेवा की। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और वो सड़क पे है, कोई धक्का मार के चला जा रहा है, उनका साथ नुकसान हो रहा है, इसमें कोई बदलाव आपने देखा कहीं भी? इसको लेकर आपने बहस देखी? नहीं देखी। तो ऑप्टिक्स कैसे चेंज करता है कि गाय को लेकर जो भी जा रहा है वो आप लोगों को मुसलमान नजर आने लगेगा। यही होता है। पहले आप गाय के साथ किसी को देखते थे तो चरवाहा देखते थे, कभी कभी कहते थे कृष्ण भगवान जा रहे है ना, कहीं देख रहे हैं दूर से ट्रेन से जा रहे हैं, चरवाहा को देखो यार देखो क्या दृश्य है। मुझे ये दृश्य याद आता है कि मैं छुट्टी में अपने दोस्त के साथ जा रहा था, बंगाली दोस्त था, तो बोला क्या सुंदर देश है। मैंने देखो कोई उसको हाँक के नहीं ले जा रहा, गाय अपने आप चली जा रही, और वो जो चरवाहा पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहा, वो अपना अलग से अपना चला जा रहा है वो अपने उसे। उसने कहा हाँ यार तो सही है, देखो तो लग रहा कृष्ण भगवान। अब आजकल जो भी गाय लेके जाता है उसको लगता है मुसलमान तो नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा में भूप सिंह और जब्बर सिंह, उनको पकड़ के इतना मारा सब की पचली तोड़ दिया, कहते रहे कि हम मुसलमान नहीं। ये हालत हो गई साहब कि हिंदू को कहना पड़े कि मैं मुसलमान नहीं। ये आपकी गौ रक्षा की का रिजल्ट है। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये हुआ ना, एक गणेश मंडल थे बिहार में कहीं, उन्होंने हॉर्न बजा दिया, गाय जा रहे थे सड़क पे तो गाय भड़क गई, उनकी फितरत होती है, पैनिक में आ गई। तो राम दुलार यादव ने उनको इतना मारा एक आंखी फोड़ दिया उनको। यही हो रहा है टेलीविजन के जरिए, जो हमारी साइकोलॉजी में हमारा ऑप्टिक्स जो हम देखते हैं। आप मुझे देख रहे हैं और हमारी बातों में एंटी हो गए, ये बदल दिया गया। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है कि इस देश में किसी हिंदू को कहना पड़े कि मुझे मत मारो मैं मुसलमान नहीं हूं। अब भी आपको रोना नहीं आता है? जानवर बना देंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा? 2.5 साल से टेलीविजन पे गौ रक्षा को लेकर डिबेट हो रहा है। 54-54 के बराबर कोई ढंग का काम नहीं हुआ गायों को लेकर, और आदमी आदमी को जानवर बना दिया गया। क्या तो हम हिंदू बनने वाले? मत रखिए आप मुसलमानों से हमदर्दी। मैं कहां का वकालत करूं, मैं तो हिंदू से पूछ रहा हूं कि आप भूप सिंह और जब्बर सिंह को पकड़ के उसकी पसली तोड़ देंगे? और वो जिस भीड़ से अपनी मदद के लिए गुहार कर रहा था वो भीड़ समझ के इसलिए नहीं गई कि क्या पता मुसलमान। बहुत सारे मेरे दोस्त जो गाय पालते हैं ले जाते हैं, कहते हैं ले जाने में डर लगता है, आइडेंटिटी कार्ड लेके चलते हैं, क्या पता कोई मुसलमान न समझ ले। ये ऑप्टिक्स चेंज कर दिया गया है।
यही परसेप्शन का खेल है। आप समझिए इस बात, गाय के साथ चलने वाला कोई भी आदमी शत्रु घोषित किया जा सकता है, शत्रु का नाम मुसलमान। तो ये गेम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये गेम हिंदुओं के खिलाफ है। आपके अंदर इस बात की संभावना रोक दी गई है कि विरोध करोगे तो एक दिन गाय के साथ तुम्हें मुसलमान बनाकर सड़क पर घेर कर मार दिया जाएगा। मैं हिंदुओं की चिंता कर रहा हूं, मुसलमानों की नहीं। ऑप्टिक्स आपके दिमाग में यह बात डालेगा कि मैं मुसलमानों की चिंता कर रहा हूं, नहीं नहीं, इस खेल को समझिए। ये साधारण घटनाएं नहीं है कि आप जाकर किसी को मार रहे हैं, गाय के साथ जा रहे हैं शक्कर। मारने वाला कौन होता है? पुलिस है। अगर किसी ने कानून तोड़ा तो उसके लिए पुलिस है। हम ये डिमांड करेंगे कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस ने निष्पक्षता के साथ जांच करके उसे अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया। क्या इस तरह की जानकारी आपको किसी हुकूमत से या किसी न्यूज चैनल से दी गई है? नहीं, उसका मकसद इसमें नहीं है। वो हर रात, हर रोज, हर शाम, हर दोपहर एक शत्रु चाहता है आपकी। अगर वो मुसलमानों में नहीं मिलेगा तो आपके भीतर से वो शत्रु बनाएगा। इसीलिए बेहतर है कि आप सब जनता होने की पोजीशन पे लौट जाइए। देर मत कीजिए, और नहीं तो उन सीखिए उन ईमानदार कार्यकर्ताओं से जो खुलकर किसी पार्टी का बैज लगाकर उसकी राजनीति करते हैं। वो नहीं छुपाते अपनी पहचान कि वो किस पार्टी है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस खेल को समझें और ये बात समझ लें कि सत्ता कभी जनता की दोस्त नहीं होती है। और इसे समझने के लिए आपको हाई स्कूल में 5 साल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बिना फीस दिए, बिना सर्टिफिकेट और 10th पास किए आप ये बात समझ सकते हैं कि सत्ता जनता की दोस्त नहीं होती है। वो आपके भीतर डर पैदा कर रहे हैं, एक बेचैनी दिखती है। समान ये बात सही है कि लेकिन आप देखेंगे कि जब बेचैन होते तो हम कहां जाते हैं? साइकेट्रिस्ट के पास चले गए, आजकल नया ठिकाना वो है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वैज्ञानिक के पास जाते हैं, प्रोफेसर के साथ जाते हैं, नेताओं के पास भी जाते हैं, हमारा ये काम करा दीजिए, बहुत बेचैन है। बाबाओं के पास भी जाते हैं। तरह तरह की बेचैनियां हमें हमारे अंदर जो है वो डर पैदा कर रही है। तो एक आर्टिफिशियल जनमत का जो समय है, और वो धर्म का देखिए राजनीति कैसे इस्तेमाल कर रही है। अब बाबा लोगों का तो अलग पंडाल लगा हुआ है, अपने कायदे से चल रहे हैं। अच्छे बाबा लोग भी हैं, अपना अध्ययन करके आए हैं, बहुत अच्छा शास्त्रों की व्याख्या कर रहे हैं। तो आप अपने कुछ व्यक्तिगत धार्मिक बेचैनियों को शांत करने के लिए उठ के चले गए। अच्छा लगा, थोड़ा माहौल अच्छा बनाया हुआ है, शांत स्वर में बोल रहे हैं, सुन के आपको लगा चलो ये भी जीवन का हिस्सा है, सुनते हैं, इसमें भी विद्वता है। ठीक, उनका काम अलग है। अब नेता उसमें भी कूद गया है, पता ही नहीं चलता कि आप नेता हैं कि बाबा हैं। जिसे देखिए नेता ही दिन भर नैतिक उपदेश दे रहा है, मां बाप की सेवा करनी चाहिए। अरे भाई आप नहीं इसके लिए बोलने के लिए, आप राजनेता, आप राजनीति की बात कीजिए, अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की बात कीजिए। वो सेवा तो हम कर लेंगे, आप नहीं थे तो हम सेवा नहीं कर रहे थे। कैसे नहाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, इस तरह का संदेश देने का काम हो रहा है। वही हाल हम पत्रकारों की दुनिया में हुआ कि न्यूज रूम जो है पार्टी मुख्यालय में बदल गया। ठीक है, आप पत्रकारों की लड़ाई खुद से है कि अपने आप को किसी पार्टी के प्रभाव से मुक्त कर पाएंगे। कॉर्पोरेट तो अब दूसरी बात, दूसरी दुनिया की चीज हो गई, उसे तो वो लड़ पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त तय करेगा। तो ये एक नुकसान हो रहा है। और देखिए जो धर्म का इस्तेमाल राजनीति में होता है, इससे हमारी आत्मा के साथ बड़ा अन्याय होता है। उसकी जरूरत है धर्म की, इतने सारे लोग मानते हैं, फॉलो करते हैं, तभी तो आप अलग अलग सेक्ट बनाते हैं। कभी आप इस देवता की पूजा करते हैं, कभी उस देवता की पूजा करते हैं, कभी अजमेर जाते हैं, कभी आप कहीं और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाते हैं। क्यों है? क्योंकि वो आपकी जरूरत है ना, उसकी पवित्रता है। लेकिन अगर यही उन जगहों को अगर आप राजनीति में बदल देंगे, तो जैसे पैसा राजनीति में जाके काला धन हो जाता है ना, वैसे ही ये धर्म जो है राजनीति में जाके काला धर्म हो जाएगा।
और एक दिन आप इसी देश की सड़कों पर लोगों को इस बात के लिए संघर्ष करते देखेंगे कि राजनीति से काला धर्म खत्म करो, मुझे मेरा धर्म लौटा दो, क्योंकि इसके बिना मैं लाश के समान हूं। क्योंकि राजनीति धर्म का कभी भला नहीं करती, वो इसका इस्तेमाल करती है। तो मैं धर्म को बचाने की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ उसका इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करता है। उसकी पूरी आत्मा वो निचोड़ देगा और आप खोखला बन जाएंगे, हथियारों के झुंड में बदल जाएंगे। आपके शहर में एक किस्सा सुनाता हूं, हमारे आदरणीय प्रभास जोशी जी का नाता रहा है यहां से, अनुपम मिश्र का भी नाता रहा ही है, उनसे भी काफी सुना है शहर के बारे में और खूब प्यार भी मिला है। ना तो मैं लौटा सकता हूं, ना मैं लौटाना चाहता हूं। आने से पहले मैंने सोचा कि मैं इंदौर जा रहा हूं तो शहर के किसी पुराने का लिखा पढ़ के जाना चाहिए। तो राजेंद्र माथुर का संचयन मेरे पास है, तो मैं पढ़ रहा था तो उसका एक किस्सा मैं सुनाता हूं। किस्सा है बासवन्ना, अभी प्रधानमंत्री ने उनके संत के सम्मान में कुछ किया था दिल्ली में। ये कर्नाटक के संत थे और लेख का शीर्षक बड़ा विचित्र है, एक कवि एक मंत्री और एक पंथ निर्माता। ये पता नहीं चल पाया कि राजेंद्र माथुर ने किन परिस्थितियों में, उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी जो ये लेख लिखा है उन्होंने। ये 72 या 79 का लेख, 1979 का। तो पहला पैराग्राफ है, नापसंद राजा को बदलने की कोई परंपरा पुराने हिंदुस्तान में नहीं है। कानाफूसी द्वारा अफवाहें हर समय उड़ाई जाती थीं और राम राज्य का धोबी शायद किसी भी युग में अनुपस्थित नहीं था। लेकिन अगर राम स्वेच्छा से सीता को जंगल नहीं भेजते तो क्या अयोध्या के धोबी जुलूस बनाकर महल के सामने नारे लगाते? क्या वे अपनी पंचायत में प्रस्ताव पास करते किसी भी राजकीय ज्यादती के खिलाफ अपनी असहमति दर्शाने का? कौन सा तरीका भारत में मान्य था? इस पैराग्राफ से वो शुरुआत होती है और वो लिखते हैं कि बुद्ध या कबीर के आने से किसी का तख्त उलट गया हो ऐसा नहीं जान पड़ता, इसलिए मुझसे भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जब सब्जी खरीदने जाता हूं तो मेरे पीछे दो चार लोगों को भेजने की भी जरूरत नहीं है। आजकल इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, कितनी बातें बताऊं। तो वो आगे लिखते हैं कि कई बरस ऐसे गुजर जाते हैं जब राज दरबार समाज व्यवस्था और त्रस्त लोगों के बीच कोई संवाद नहीं होता। गियर के पहियों की तरह सब अपने निर्धारित पथ पर मस्तिष्क विहीन चलते रहते हैं और समाज की निर्मम चक्की अपनी पिसाई करती रहती है। फिर से पढ़ता हूं। अतः कई बरस ऐसे गुजर जाते हैं जब राज दरबार समाज व्यवस्था और त्रस्त लोगों के बीच कोई संवाद ही नहीं होता है। गियर के पहियों की तरह सब अपने निर्धारित पथ पर मस्तिष्क विहीन चलते रहते हैं और समाज की निर्मम चक्की अपनी पिसाई करती रहती है। 2017 की बात लिख रहे थे, 1979 में। राजेंद्र माथुर जी आगे लिखते हैं, अतः भारत के समाज में वे पृष्ठ सहेजे जाने चाहिए जब नाराज जनता ने अपने आंदोलन से समाज का ढांचा बदल दिया और दकियानुषी की रक्षा करने वाले राजा को उखाड़ फेंका। ऐसे अध्याय कम हैं, लेकिन कर्नाटक में जाति पाति और कर्मकांड के खिलाफ जब भक्त कवियों ने आंदोलन चलाया तो वीर शैव नाम की पंथ स्थापना हुई। वीर शैवों में एक कन्नड़ कवि हुए बसवन्ना। बसवन्ना शिव भक्त थे, उन्होंने शिव सेना गठित करने की प्रतिज्ञा भी की थी। वे कभी नहीं थे, राज्य के मंत्री थे और अपने समाज के आंदोलन के केंद्र भी थे। एक व्यक्ति घर में कविता लिखे, दरबार चलाए और शहर में समाज सुधार का अभियान संगठित करे, ऐसा हिंदुस्तान में कम हुआ है। फ्रॉड लोग तो हुए हैं पर ऐसा हिंदुस्तान में कम हुआ है। जिनमें संत इस तरह के लोग कम हुए। बसवन्ना के असंख्य भक्त थे, उनका पंथ रूढ़ियों को नकारने वाला था। सत्ता का चरित्र ही रूढ़ियों के पोषण का होता है। इसीलिए आप तमाम बहसों को देखेंगे तो वो दकियानुषी बातों को स्थापित करने वाले। हमारे धर्म की जो खूबसूरत है, जो गेंदे के फूल हैं, वो तो दिखाई नहीं देते टीवी की बस।
एक से एक मीमांसा दर्शन ऐसे ही आ गया होगा क्या भारतीय परंपरा में? किसी ने घंटों उस पर विचार किया होगा, महीनों तक बहस की होगी और युगों तक वर्षों तक लगाकर उसे सरकंडे के कलम से लिखा होगा, तब ना हमारे पास सुरक्षित है। तो उसमें साधना और धीरज का कितनी भूमिका है। तो आगे लिखते हैं कि तभी एक घटना होती है, कल्याण के बिचल राज में एक ब्राह्मण लड़की का प्रेम दलित लड़के से होता है। ये उस समय का लव जिहाद रहा होगा, पर किसी ने नहीं सोचा होगा। बहरहाल राजा को गुस्सा आता है तो राजा बिचल ने दोनों को मार देने का आदेश देते हैं, वो मार दो, और उन्हें सड़क पर घसीट घसीट कर मार दिया जाता है। मैं पहलू खान की बात नहीं कर, ब्राह्मण लड़के और दलित लड़की की बात कर रहा हूं, और ये आज भी होता है। आप जाएंगे, आप चेन्नई में निकालेंगे, तमिलनाडु जिसको हम इतना बाकी उत्तर भारत के राज्यों से तमाम मानकों में ठीक ठाक प्रगति किया हुआ राज्य है, वहां पर इस तरह की घटनाएं काफी होती हैं भयानक तरीके से। तो जनता में तो उससे क्या हुआ कि सारे वीर शैव जो है वो गुस्सा गए। उनको ट्रेनिंग क्या मिली हुई थी? उनको उस परंपरा से रिवोल्ट करने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। वो शिव के भक्त थे लेकिन रूढ़ियों के नकारने वाले थे, इंसान को इंसान समझने वाले थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सन्यासी लोग तो होते हैं, तभी तो हम उनके पास जाते हैं ना, नहीं तो नहीं जाते उनके पास। तो उन्होंने बगावत कर दी और राजा को ही मार दिया। बसवन्ना काफी मुश्किल में पड़ गए, समाज में रहकर उन्होंने बगावत की परंपरा डाली, दरबार में आकर सत्ता बचाने लगे। ठीक, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो पंडाल डाल के हमारे बाबा संत लोग हैं वो राजनीति से दूर रहे, जरूरी है, क्योंकि उनका दूर रहना हमारे लिए जरूरी है उनसे ज्यादा। लेकिन अगर दूर नहीं रहे तो उनका नुकसान इन्हीं पंक्तियों में है कि समाज में रहकर उन्होंने बगावत की परंपरा डाली, दरबार में आकर सत्ता को बचाने में लगे। उन्हें राज्य के खिलाफ हिंसा पसंद नहीं थी, कभी को बसवन्ना को असहाय महसूस कर रहे थे, वे उस स्थान को छोड़कर कहीं और चल गए जा, समय के साथ मतलब उनका देहांत हो गया। बसवन्ना महान कवि थे, मतलब ये पढ़ के एक उनके जीवन में इस तरह का द्वंद आया, इसी का ये रहा 1989 का है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि जनमत कोई ठोस पदार्थ नहीं है, ये द्रव्य पदार्थ है, तरल पदार्थ है, इसकी तरलता को बनाए रखिए, बचाए भी रखिए। टीवी के जरिए हमारे माध्यम का इस्तेमाल करके इसे ठोस रूप में बदला जा रहा है और आपको धीरे धीरे एक ढेला एक पत्थर में बदल दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल होगा कि आप उठकर इनको मारें, ये उठकर आपको मारें। थोड़ी मोहब्बत की बात भी हो इस समाज में, हम फिर से लोगों को पहचाने, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि थोड़ा राजनीति से अलग होकर और राजनीति में भी घुसकर एक दूसरे पर विश्वास करना सीखें। अगर हम नहीं सीखेंगे तो सहारनपुर जैसी घटना होगी। ऐसी क्या बात है कि कौन सी झांकी में ऐसी क्या बात है कि एक समुदाय और एक दूसरे समुदाय को एक दूसरे पर मार रहे हैं और विश्वास नहीं है। तो समाज का जो एक तरह से जो कोई हिंदूकरण नहीं हो रहा है, हम सबको जानवर में बदला जा रहा है ताकि हम कभी भी किसी भी वक्त अपने बगल में बैठे किसी को भी काट लें, कभी मुसलमान समझ के काट लें, मुसलमान हिंदू समझ के काट लें, कभी किसी को दलित समझ के काट लें। तो इतनी नफरत हमारे अंदर भरी जा रही है, पहले से ही है सामाजिक परंपराओं से, लेकिन ये टीवी आपके साथ बड़ा अन्याय कर रहा है। बहुत सारे सवालों को विस्थापित किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है, और एक तरह के सवाल आप पर थोपे जा रहे हैं, और ये प्राइम टाइम में हो रहा है और खुल के हो रहा है। आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा यकीन इस बात में है कि जीत मोहब्बत की होगी। क्योंकि आप अपने बच्चे को तो बचाना चाहेंगे ही, अपना न से हम सबको लगता है कि अब मुझे सब कुछ जीवन में मिल गया तो किसी चीज की जरूरत नहीं, तो ध्यान नहीं रहता है। बहुत ही खराब हो रहा है हमारे टेलीविजन में, जनता को जनता के साथ लड़ाया जा रहा है। इसलिए जब मनीषा जी पूछ रहे थे कि क्या विषय आप बोलेंगे, तो मैं अक्सर में ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा, मेरे पास क्या नया है, क्या जानना है। एक दिन भर तो एक माध्यम के बीच में मेरी संगति रहती है। अगर पत्रकार राजनीतिक दल की तरफ बर्ताव करने लगे, अगर बाबा राजनीतिक दल में विलीन हो जाए, तो समाज का कितना बड़ा नुकसान है, हमारा एकीकरण हो रहा है, ये ठीक बात नहीं है। इस हॉल की खूबसूरती सिर्फ लोगों से नहीं है, इस बात से भी है कि आप सब अलग अलग कपड़े में आए,
आप सब अलग अलग जगहों से आए हैं, आप सबके हेयर स्टाइल अलग है, चश्मे का फ्रेम अलग है, सब एक जैसा हो जाएगा तो हम क्यों नजर को यहाँ से उठाकर यहाँ देखने की तकलीफ करें। बदलने की भी जरूरत नहीं रहेगी और यही हो रहा है, समाज के जरिए बनाया जा रहा है। और देखिए हम बन भी गए, दिन भर ऐसे व्हाट्सएप में देखते रहते हैं, झूठ, बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं और खबरें देखिए गलत छप रही हैं, झूठी खबरें छप रही हैं। ये सायास हो रहा है, अनजाने में हो रहा है, ये इतने नादानीपन की बात नहीं है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए अपना वक्त ही नहीं देते, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा देते हैं, 1000 रुपया तो आप खर्च करते ही हैं। तो समाज को बनाइए, हिंदुस्तान समाज में है। जब इस हिंदुस्तान के पास कोई रायसीना हिल्स जैसी जगह नहीं थी तब भी ये हिंदुस्तान था, वहां से बैठकर और उस हुकूमत के नाम पर उससे तरफदारी या उससे लाइसेंस लेकर सड़कों पे जो लोग घेर रहे हैं, कि वो दरअसल बताने आए हैं कि जब हम इनको घेर सकते हैं सब्जी खरीदते समय, तो सोच लेना तुम्हारी हालत तो उससे भी बदतर होने वाली है। तो इसलिए हमारी हालत इतनी खराब ना हो, बहुत अच्छा है इस देश में, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसे समय के साथ सतर्क हो जाना चाहिए। हम सब ने अपनी कहानियों से सीख नहीं ली है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि जिस माध्यम से आया हूं वो टेलीविजन बर्बाद हो गया है। इसको अब आप ही बचा सकते हैं, इसको हम नहीं बचा सकते। अभी तो प्रवक्ता आ रहे हैं, कुछ दिनों में प्रवक्ता ही एंकरिंग करेंगे। सही बता रहा हूं। और उनकी जगह हम जैसे लोग बैठे होंगे अपने पेट के लिए कि कुछ बोल लेंगे, नहीं नहीं सर, जो आप जो बोल रहे हैं उसमें दूसरा पक्ष ये भी है, अगर बुलाए गए तो। इस तरह से ये नहीं होना चाहिए और ये हो रहा है, इसका आपकी राजनीतिक निष्ठा से कोई लेना देना नहीं, वो बदले बिना भी आप इसको बचा सकते हैं, क्योंकि यही आपके हित में है, ये आपके बच्चों के हित में है और यही हिंदुस्तान के हित में है। इससे खूबसूरत मुल्क दुनिया में कहीं नहीं है। पहला काम तो ये करिए दिन में 100 बार कि हम कुछ हो जाए इसको सुपर पावर नहीं बनाएंगे। हिंदुस्तानी होना ही अपने आप में पावर है। जो सुपर पावर की बात करते हैं वो नौटंकी करते हैं, उनको हिंदुस्तान हिंदुस्तान का ह नहीं मालूम, भारत का भ नहीं मालूम। हम इंडियन हैं, यही पावर है हमारा। हम इतने सालों से अपने ट्रेडिशन और कल्चर के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हमको वीडियो गेम प्रोग्रामिंग वाली कल्चर नहीं चाहिए सुपर पावर होने के लिए, वरना गली गली में एक दिन ट्रंप मिलेंगे सर, और सुनने के लिए फिर रवीश कुमार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है हम जैसों के खात्मे के ऐलान की भी प्रक्रिया है, तो वो हम तो पहले सुन लेते हैं, तो वो हम जानते भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने इतना प्यार दिया, मुझे सुनने के लायक समझा। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने दिल्ली में कॉन्क्लेव, एनक्लेव, डायलॉग, फाइलॉग सब देखे, अभ्यास मंडल जैसा नहीं देखा कहीं। के लिए सब छुपाता हूं जिन्होंने कभी ये सोचा कि हमारी नौकरी हमारी जिंदगी के अलावा भी शहर में चर्चा होनी चाहिए, और आप सब हर तरह की बात के विचार वाले लोगों को बुलाते हैं। कितनी खूबसूरती है इसमें, ना कमर्शियल है ना कुछ भी है, ये परंपरा बनी रहे, अलग अलग लोग आए, अलग अलग दल के लोग आए, और ये खूबसूरती को आबाद रखिएगा, क्योंकि नाम भी कितना सुंदर है, अभ्यास मंडल। हम एक दूसरे को समझने का, आपके साथ आकर सीखने का अभ्यास करते रहें, यही हमारी जिंदगी की यात्रा होनी चाहिए। मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, IT plus IT is equal to IT, तो बिल्कुल नहीं है। थैंक यू।